चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दरगाह जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत भी नतमस्तक हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पटरियों के बीचों बीच बनी हुई खम्मन पीर बाबा की दरगाह। आप देख सकते हैं कि ट्रेन इसके ठीक पीछे से जा रही है, आगे की ओर रेलवे ट्रैक है, साथ ही पीछे से जो ट्रैक निकला है उसकी ट्रेन आपको सामने नज़र आ रही होगी। इस खम्मन पीर बाबा की दरगाह के बारे में कहा जाता है कि गुरुवार का दिन यहाँ पे खास तौर पे विशेष इबादत के लिए रखा गया है। यहाँ ना सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश समेत देश और विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं, इबादत करते हैं और फरियादें मांगते हैं। यहाँ पर लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब साफ तौर पे नज़र आती है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पे आते हैं। बात करें इसके इतिहास की तो ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने पटरियां बिछाने का काम शुरू किया चारबाग रेलवे स्टेशन को बनाने के दौरान, तो जितने एरिया में यहां पर कब ये बनी हुई है दरगाह, वहां पर एक समय भदेवा नाम का जंगल हुआ करता था और बाबा की सिर्फ कब्र हुआ करती थी। सुबह पटरियां बिछाते थे अंग्रेज और रात में वो पटरियां उखड़ जाती थीं। जब सुबह अंग्रेज लगातार एक हफ्ते तक इसी तरह से देखकर परेशान हो गए थे, उसी दौरान जो चीफ इंजीनियर थे अंग्रेजी हुकूमत के, उनके सपने में आकर बाबा ने यह कहा था कि यहाँ पे उनकी कब्र है, ये उनका आराम गाह है, इस पर बिल्कुल भी ना छेड़छाड़ करें, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कभी भी पटरियाँ नहीं बन पाएंगी। हाँ, जब 150 से 250 साल पहले जब अंग्रेज़ों ने ये रेलवे वजूद में लाए और इसका स्टेशन का कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन होने के बाद रेलवे ट्रैक बिछाए जाने लगे, तब यहाँ पर कुछ नहीं था, ये एक जंगल हुआ करता था जिसको हम पुराने लोगों से सुनते हैं भदेवा नाम का, ये जंगल हुआ करता था उस समय, ये चारबाग नहीं था, ये भदेवा नाम का जंगल हुआ करता था। और स्टेशन का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद जब रेलवे ट्रैक बिछाए जाने लगे तो यहाँ पर कोई ऐसी दरगाह या मस्जिद कुछ नहीं था, बस बाबा की यहाँ पर कब्र थी, ग्रेव थी यहाँ पर। और जब ट्रैक बिछाए गए तो दिन में ट्रैक बिछाए जाते थे, रात में पटरियां ट्रैक उखड़ के इधर उधर हो जाया करते थे। और मतलब ये सिलसिला एक हफ्ते तक चला, लोग समझ नहीं पाए कि ऐसी क्या पावर है, ऐसी क्या शक्ति है इस इतने एरिया में कि ये ट्रैक ऐसे हो रहे हैं। तो ये पता चलता है कि जो हेड इंजीनियर था जो इस एरिया का, उसको ये अल्लाह के वली जो यहाँ बाबा आराम फरमाए, उसके ख्वाब में आए और बताया कि ये मेरी आरामगाह है, मेरी ये आराम करने की जगह है, आप यहाँ पे प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें, अगर आप हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और ये पटरियाँ ऐसे ही उखड़ती रहेंगी। तो जो भी उसको समझ में आया, उसको यहाँ की शक्तियों के बारे में, यहाँ की पावर के बारे में पता चला होगा, तो उसने ये इतना एरिया बाबा के नाम से मंसूब किया, ये छोड़ा इतना एरिया। अच्छा, क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है, ये क्या विश्वास पे आया जाता है? अच्छा, विश्वास पे आते हैं, विश्वास पे आते हैं बाबा के। हाँ, अच्छा, ये खाली। आपका नाम क्या है? शकुंतला। मुझे बताएं आप कितने सालों से यहाँ पे आ रही हैं? आते रहते हैं हम तो, 6 महीने में 7 महीने में साल भर में ऐसे आते रहते हैं। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज 18।